उसमें। एरर किया था आपने, कहाँ तक कर लिया था एरर में बताएं मुझे जरा। एडिशन की, सबट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन, मुझे याद पड़ रहा है मैंने मल्टीप्लिकेशन ने करा दी थी शायद, डिवीजन नहीं कराई थी। आर यू हेयरिंग मी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सलमान, साद, उमर, अब्दस, शायान अहमद, इखलास, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। स्क्रीन आपके पास शेयर हो गई होगी और आपने मेरे साथ कर रहे थे आपने एरर, मुझे याद पड़ रहा है एरर तक कराया था मैंने, पता है मैंने एरर में कहाँ तक करा दिया था। जी विल्स एस, जी यहाँ तक करवा दिया था अपने को मैंने, सही है। लेंथ और वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला बता दिया था। ठीक, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? पहले ये बताएं, ये स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, हो रही है। ठीक है, आज की क्लास में आप इसके आगे से कंटिन्यू करोगे, दैट इज कॉल्ड एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। टॉपिक का नाम है आपके पास एरर इन डिवीजन। अगर आप एरर की बात करना चाहो कि एरर डिवीजन में कैसे निकालते हैं, जैसे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी आपने एरर निकालना सीखा था, राइट? इसी तरह अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी तो उनमें एरर कैसे निकालेंगे आप, ये आज आप सीखोगे। क्या फिजिक्स में कोई ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हो आप जिसमें दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो तीसरी क्वान्टिटी आए? बताओ मुझे कोई ऐसी एग्जाम्पल बताओ फिजिक्स में क्वान्टिटी की, जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थर्ड क्वांटिटी आती थी, इसी तरह अगर दो चीजों को डिवाइड करें तो तीसरी क्वांटिटी आए। वी हैव एन एग्जांपल इन फिजिक्स, फिजिक्स में आपको ऐसी कोई क्वांटिटीज नजर आती है जो दो चीजों का रेशियो हो? देखते क्या आंसर आया। जी आंसर आ रहा है डेंसिटी, बिल्कुल सही। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल जो है वो आपके पास डिवीजन की है। किसकी एग्जाम्पल? आपके पास डिवीजन की। तो अगर आप डेंसिटी निकालना चाहोगे या प्रेशर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मली। तो आप अगर डिवीजन की बात करते हो, डेंसिटी, प्रेशर, सही है,
बट सर एडिशन की कोई जनरल फॉर्मूला एक दफा करा दें, एडिशन का जनरल फॉर्मूला एडिशन बता देता हूँ मैं खत्म कर दस। एडिशन में तो डायरेक्ट ऐड करते थे, एडिशन का जनरल फॉर्मूला नहीं था। देखो अगर आपके पास लिखा हुआ है, बताता हूँ मैं अभी, ये ए लिखा हुआ है प्लस माइनस रो ऑफ ए, और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ 100 प्लस माइनस 5, और मैं लिखता हूँ बी प्लस माइनस रो ऑफ बी, और बी की वैल्यू एग्जामिनर बोलता है आपके पास 50 प्लस माइनस 3 है। अब एग्जामिनर पूछता है ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, जब ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो क्वांटिटीज में क्वांटिटीज को ऐड करोगे, वैल्यूज के अंदर वैल्यू, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करोगे, डेल्टा ए यहाँ पे आएगा प्लस माइनस और डेल्टा ऑफ बी। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये क्या बनेगा इसका, ये इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बना दिया। ये जो मैंने बनाया इसका, ये मैंने इसका जनरल फॉर्मूला बनाया, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मैं बोलता ए माइनस बी निकालो, तो तुम ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करते, आपके पास क्वांटिटीज में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते प्लस माइनस, मगर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते, ऐड होंगे हमेशा। इसलिए इसका जब आंसर लिखने के लिए जाओगे ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी को मैं 100 प्लस 50, यहाँ लिखोगे 150 प्लस माइनस 5 प्लस 3 8, ये इसका आंसर होगा। और इसका आंसर क्या लिखोगे, 100 माइनस 50, 50 प्लस माइनस, सॉरी 5 प्लस 3 इज 8 होता है, मैंने गलती से 3 लिख दिया। और अब इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्वांटिटीज फिर फ्रैक्शनल पार्ट फिर भी ऐड होंगे, तो यहाँ पे आएगा 8। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये एडिशन का जनरल फॉर्मूला है, और चाहो तो ये सब्ट्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन का आ गया, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। ठीक, अब हम चलते हैं एरर इन डिवीजन के ऊपर। आपने मुझे कहा था डिवीजन के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती है, आपने कहा डेंसिटी हो सकती है, बिल्कुल सही है, डेंसिटी इज द रेशो। तो अगर आप डेंसिटी की बात करना चाहते हो तो डेंसिटी जो होती है, तो डेंसिटी जो होती है वो आपके पास रेशो होती है किसका, मास अपॉन वॉल्यूम का। आपने कहा था प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल सही है। तो ये सारी की सारी जो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो, ये आपके पास डिवीजन की एग्जांपल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपने मुझसे कहा बिल्कुल सही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब आपके पास एग्जामिनर आपको मास बता दे और वॉल्यूम बता दे और पूछे डेंसिटी निकालो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जामिनर आपको बोलता है कि जी ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपके पास है 500 प्लस माइनस 10 ग्राम्स, और इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 20 प्लस माइनस 2 cm³। अब एग्जामिनर बोलता है इसकी डेंसिटी निकालो और प्लस माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में एग्जामिनर बोलता है परसेंटेज अनसर्टिनिटी, क्या निकालने का बोल रहा है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी, परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एक ही चीज के दो नाम है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, डेंसिटी में कितनी परसेंट की एरर है ये पूछ रहा है, ये उसने दो पार्ट दिए। करवाऊं मैं आपको करने का टाइम दूं, डेंसिटी तो आप निकाल लेंगे, बताएं मुझे डेंसिटी कितनी आएगी, डेंसिटी में एरर भी चलें ट्राई करें आप। आपने एडिशन सीखी है, आपने सब्ट्रैक्शन सीखी है, आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, आपने डिवीजन नहीं सीखी है,
इन तीनों चीजों को अप्लाई करते हुए आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है करके बताएं डेंसिटी की एरर कैसे निकालना। पहले डेंसिटी बताओ फिर डेंसिटी की एरर बताना। टाइम मैंने आपको दिया हुआ है। बिल्कुल सही है साथ। डेंसिटी आपने मुझे बता दी 25, बिल्कुल सही है। अब इसकी एरर बताओ, इसमें अनसर्टेनिटी कितने की होगी। ट्राई करो, ट्राई करने का मसला थोड़ी है कोई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा तो मैं सही करा दूंगा। अगर आपको अटेम्प करना तो आएगा, असल मसला है अटेम्प करना। बच्चा अटेम्प करे, ए लेवल्स के अंदर असल चीज होती है बच्चा खुद से अटेम्प करने की आदत डाले। अगर उसे खुद से अटेम्प करने की आदत पड़ गई तो फिर तो एक दफा गलती करेगा, दो दफा करेगा, हर दफा गलती नहीं होगी उससे। ए लेवल्स इज द नेम ऑफ लर्निंग। आप जितनी ट्राई करोगे उतनी दफा गलतियां होंगी आपसे, और जितनी ही गलतियों से आप सीख रहे होते। ए लेवल्स में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिलता राइट जो इसका हर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो जाए, ये बात अपने माइंड में रख लिया। बच्चा गलती करता है, गलती से ही बच्चा सीख रहा होता है। जब तक गलती नहीं करेगा उसकी लर्निंग ही नहीं होगी। तो ए लेवल्स इस बात में माइंड छोटा करने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने किया था मेरा गलत हो गया। एक्चुअली में करना ही असल चीज़ है। ए लेवल्स में बच्चा करता ही नहीं है, कॉपी करने की आदत डाल रहा होता है वो। और मैं रिकमेंड करूँगा कॉपी बिल्कुल ना किया करें, जो करें अपनी बिहाफ पे करें। एक दफ़ा गलत होगा, दो दफ़ा गलत होगा, तीन दफ़ा गलत होगा, उसके बाद आपको एक्चुअल में मुझे आपको ए एस में सिखाना है कि पढ़ते किस तरह से। अगर आपको पढ़ना आ गया खुद से तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त। जी क्या आंसर कोड किया, कुछ आंसर कोड कर रहे हैं आपको किया था सर, दो मैसेजेस आए। क्या पहला मैसेज, यस सर 3 आ रहा है, एरर 3 आएगी सर, इखलास ने पूछा है और आपका भी 3 आ रहा है। चलें चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था भी आ रहा है सबका, चलें अभी चेक कर लेते हैं। अब देखें जो रूल एडिशन के लिए था वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए था एरर में, इसी तरह जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल डिवीजन के लिए। इसका मतलब बताएगा डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो आपको मास जो पता था वो पता था 500, वॉल्यूम पता था 200, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 25 ग्राम्स पर cm³। ये तो आपके पास आ गई डेंसिटी। अब डेंसिटी में एरर कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला था m अपॉन v। इसका मतलब बनेगा अगर मैं इस साइड पे सॉल्व करूं, इसका मतलब बनेगा डेंसिटी का फॉर्मूला था तो रो d अपॉन d बराबर होगा रो m अपॉन m प्लस रो वी अपॉन वी। जो मेथड जो जो आप कॉन्सेप्ट लगाते थे एरर के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिवीजन, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या हो गया, जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया था मल्टीप्लिकेशन के लिए वही कॉन्सेप्ट आपके पास डिवीजन के लिए। डेल्टा डी डेल्ट रो डी इज अननोन, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट इट 25 इज इक्वल टू चेंज इन मास, मास में कितने की एरर थी 10 अपॉन 500 प्लस वॉल्यूम में कितने की एरर थी 2 अपॉन 20। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज द वैल्यू, तो 2 अपॉन 20 इसका मतलब बनेगा 0 से 0 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 50 प्लस 2 अपॉन 20 एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय 25 तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो डी, इसका मतलब बनेगा एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा 100। तो जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बने 15 टू 2 ऊपर आएगा प्लस इसको से कैंसिल करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 जाएगा 25 25 1 25 4
ऊपर आ जाएगा 12/4, तो आंसर आएगा 3। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, तो आंसर बनेगा 25 ± 3, और उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम्स पर cm³। एक्सलेंट जॉब, इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ गया, ये भी टफ, वेरी गुड, आई लाइक इट, जबरदस्त। जो मेथड आपके पास मल्टीप्लिकेशन का है वही मेथड डिवीजन का है, उसी पैटर्न से सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ परसेंटेज अनसर्टेनिटी और डेंसिटी कितनी होगी, वो भी बताओ करके, शाबाश। ट्वेल्व परसेंट शायान, 12% आ रही है। अच्छा चेक करते हैं, उमर तुम्हारा माइक ऑन है शायद, इससे डिस्टॉर्शन आ रही है जी। 12% कह रहे थे आप, इसका मतलब बनेगा 12% कैसे निकलेगी, आपको करना पड़ेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3/3/25 × 100, 25 × 1 = 25, 4 × 3 = 12, उससे भी सेम आंसर आ रहा होता। दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ, दोनों मेथड में मैं कह रहा हूँ आपकी चॉइस है जिसमें आपको आसानी लगे, इट्स अप टू यू। अब एक बच्चा बोलते समय परसेंटेज से करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। एग्जामिनर ने आपको मास कितना बताया था, मास बताया था एग्जामिनर ने आपको 500 ± 10, मास था 500 ± 10, और वॉल्यूम था आपके पास 20 ± 2। अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे मास में एरर बता सकते हो, मास में कितने परसेंट की एरर है, परसेंटेज एरर इन मास। तो अगर तुम मास में परसेंटेज एरर निकालना चाहते हो आपको करना पड़ेगा 10/500 × 100, मतलब 200 से जीरो कैंसिल, 2% की, कितने परसेंट की है, 2% की। वेरी गुड, अब वॉल्यूम में निकालो, वॉल्यूम में कितनी आएगी, अगर वॉल्यूम में निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम में निकालने के लिए एक सेकंड, वॉल्यूम में निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 2/20 × 100, 21 × 25 = 5 × 2 = 10%, तो वॉल्यूम में 10% की आ गई, मास में 2% की, तो टोटल एरर कितनी हो जाएगी, तो टोटल एरर जो हो जाएगी परसेंटेज की फॉर्म में इन परसेंट हो जाएगा 12%। तो इसका मतलब हो गया, देखें 12% आ गई, ये देखें 12% थी, ये आ गई 12%। अब आपको ये वैल्यू भी तो चाहिए, उसका मतलब बनेगा 12% ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी निकालेंगे आप, डेंसिटी खाली जो निकलेगी वो निकलेगी 500/20, तो उसका मतलब 21 × 25, तो 12% of 25 निकाल दो। जब 12% of 25 निकालेंगे तो ये आंसर रिपीट हो जाएगा,
इसका मतलब आ गया थ्री। यहाँ तक बात समझ में आई? दैट इज द कॉन्सेप्ट। आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप सर आतिफ का रूल फॉलो करो। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है उस पर अमल करना। इट्स अप टू यू, आपका जो माइंड सेट हो। आपको परसेंटेज आसान लगती है आप परसेंटेज से कर लो, आपको फॉर्मूले से आसान लगता है आपको फॉर्मूले से कर सकते, राइट? यहाँ तक समझ में आया? इस पूरी की स्नैपशॉट में लेके तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ और छोटी हो जाएगी। मतलब ये सही है, इस पूरे की स्नैपशॉट लेके मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब इसके बाद आप जो सवाल करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसका आपके पास पावर का ये आपके पास और सीख लो, उसके बाद फिर आप पास पूरे करने के काबिल हो सकते हैं। 10%, 10% कैसे आ रही है? 12% होगी ना, 10% कैसे साथ? बताओ मुझे क्या गलती कर रहे हो? ये देखो वर्किंग, ये भी वर्किंग, मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है। मास में कितने परसेंट की एरर थी? 10/500 × 100 तो 2% की निकली। वॉल्यूम में कितने परसेंट की निकली? 10%, तो टोटल एरर हो जाएगी 10 + 2, 12% हो जाएगी टोटल एरर। तो 12% × 25 = 3। इसके बाद लिखो एरर इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ बेस 10। ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिक्स में एग्जाम्पल दूँ स्क्वायर की, क्यूब की, अंडर रूट की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है पावर। और बेस 10 लाजमी नहीं है, कभी बेस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल पावर है। फंक्शन राइट, एरर इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है जिसमें स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाए, क्यूब इन्वॉल्व हो जाए, अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाए, क्यूब रूट इन्वॉल्व हो जाए। क्या आप कोई फिजिक्स का ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जिनमें से इनमें से कोई चीज़ आ रही हो? स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, एक्सपोनेंशियल, कोई फॉर्मूला बताओ मुझे ऐसा फिजिक्स का जिसके अंदर आपके पास सिंगल पावर से पावर चेंज हो जाए, कहीं पे स्क्वायर आ जाए, कहीं पे क्यूब आ जाए, अंडर रूट आ जाए, स्क्वायर आ जाए, इट्स अप टू यू। कोई भी एग्जाम्पल दो मुझे जिनमें से कुछ भी आ रहा हो, फिर हम उसकी एरर निकालना सीखेंगे। जी बताइए, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्यूब आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो, अंडर रूट आ रहा हो, क्यूब रूट आ रहा हो? बता दूं मैं, ये सोच रहे हैं आप? वेरी गुड सलमान, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला होता था एम सी स्क्वायर। बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब होगा इन दोनों फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा आपने फॉर्मूला बोला एनर्जी का, एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था एम सी स्क्वायर। वेरी गुड, तो इन सबके अंदर आपके पास क्या चीज़ आ रही है? स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है। तो आपको इस स्क्वायर में एरर कैसे निकालनी होगी? क्या
इस स्क्वायर में एरर कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, ये जो हाफ है एरर के अंदर, इट इज अ नंबर, नंबर हैज नो एरर, तो इसको इग्नोर कर देंगे। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपने हाफ को इग्नोर कर देना होगा एरर वाले पोर्शन में। अभी मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास था 1000 प्लस माइनस 20 ग्राम केजी। एक कार का मास है 1000 केजी प्लस माइनस 20 की इसमें एरर है, और उसकी जो स्पीड गिवन है, जिस स्पीड से वो चल रही है वो है 40 प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जामिनर ने कार का मास बता दिया, एक कार की स्पीड बता दी। मास में एरर है आपके पास 1000 प्लस माइनस 2 की, स्पीड में एरर है 40 प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जामिनर बोलते हैं पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी बताओ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालो प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो। ये सवाल है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी में कितनी की एरर होगी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। टाइम टू करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। स्क्वायर फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। अगर आपके माइंड में एडिशन है, आपके माइंड में सब्ट्रैक्शन है, आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन है, आपके माइंड में डिवीजन है, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला खुद बना लोगे। चाहे अब आगे कुछ नहीं बोल रहा मैं, आपकी चॉइस है, जैसे चाहे करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हर ये
जी क्या आंसर आया? आया अब तक? टाइम हो गया है, 5 मैसेजेस। 80,000, 800,000 प्लस माइनस 5600, 800,000 प्लस माइनस 5600, 7 400, 40,000 प्लस माइनस 2800 होगा, 8000, 8166 होगा, 800,000, 5600 होगा। चलिए पहले चेक करते हैं कहाँ गलती हो रही है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपके पास मास जो गिवेन है वो गिवेन है 1000, स्पीड गिवेन है आपके पास 40 का स्क्वायर, उसका मतलब हाफ टाइम्स 1000 टाइम्स 40 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1600। तो एक 2 से 16 कैंसिल होगा, 8, उसका मतलब हो जाएगा 800 और साथ में 1000। तो आपका आंसर जो आ रहा था 800,000, वो तो सही था। अब इसको करने का फॉर्मूला क्या होगा एरर निकालने के लिए? इसका मतलब होगा एरर के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हाफ मैंने कहा था एक नंबर है, नंबर इज नो एरर, इसको इग्नोर कर देंगे। अब बचा डेल्टा एम, तो मास में एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास प्लस वेलोसिटी में एरर अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी, और उसका क्या लिखेंगे आप स्क्वायर। आपने एड मास किस किसने पढ़ी थी? जिस जिसने एड मास पढ़ी थी उसने लॉग का एक रूल पढ़ा होगा। अगर ए की पावर बी लिखी हुई है तो लॉग लगने से ये जो पावर होती थी ये कोफिशिएंट बन जाती थी। जिन्होंने एड मास पढ़ी है उनको ये रूल पता होगा, और जिन्होंने एड मास नहीं पढ़ी वो सीख लें। तो ये जो पावर होती है ये कोफिशिएंट बन जाएगी। अगर पावर 2 होती तो 2 डेल्टा बी अपॉन वी हो जाता, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी। ये बात किस किस को समझ में आई? या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते थे डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा इस वी के स्क्वायर का मतलब क्या है, हाफ एम वी डॉट वी। ये बात समझ में आई? V into V का मतलब V स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा V को 2 दफा लिख सकते थे, तो एरर भी कितनी दफा लिख सकते हैं, 2 दफा। तो डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा V अपॉन V। जब डेल्टा V अपॉन V डेल्टा V ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 2 डेल्टा V अपॉन V। ये बात समझ में आई? ये देखो आईडी का इनका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने मास लिखा V का स्क्वायर, इसका मतलब होगा वेलोसिटी को 2 दफा लिख सकता हूँ। इसमें एरर हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम, इसमें एरर हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी। प्लस जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है एरर में ऐड होती है, तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी अपॉन वी बन जाएगा 2 डेल्टा V अपॉन। नाउ आई एम प्लेसिंग द वैल्यूज। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज अननोन, द काइनेटिक एनर्जी इज 800,000। मास कितना बताया था आपको, 20 अपॉन 1000 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी। वेलोसिटी बताई थी 2 अपॉन 40। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो 800,000 से तो आपको काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, 56,000 आ रहा होगा या कुछ और आ रहा है, बताइए मुझे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बताओ, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, क्या आंसर आ रहा है? वैल्यूज क्या क्या थी? वैल्यूज थी आपके पास 20 अपॉन 1000, 20 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस ब्रैकेट ऑन
उसके बाद था 2 इंटू, यही कर देता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कुछ से। इसका मतलब बनेगा हमारेगा 10 से 10 कैंसिल, तो 2 अपॉन 100 प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 40, 4 अपॉन 40 तो ये कैंसिल होगा 1 अपॉन 10। इसका मतलब बन जाएगा एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और यहाँ लिखेंगे आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 800,000 से, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 8,000। तो 12 इंटू 8,000 का मतलब बनता है 12 एट ज़ा होते थे आपके पास 12 एट ज़ा, 8 टू ज़ा 16, 8 वन 96, 96,000 आ रहा है मेरा, तो 96,000 जूल्स। तो आप लोगों से क्या गलती हुई थी, सलमान कद्दस 28 कैसे आ रहा था, 56 कैसे आ रहा था, माइक ऑन करके बताओ अपना, वॉइस मैसेज ऑन करो, क्या गलती हुई थी जो 56 आ रहा था तुम लोग का, 56 तो कैसे भी नहीं बन रहा। यहाँ तक बात समझ में आई, इसलिए मैं जब स्क्वायर फंक्शन आएगा ना तो मैं रिकमेंड करूंगा एक्सपोनेंशियल से कर लो, वो परसेंटेज से, परसेंटेज से कर लोगे तो गलती का चांस कम है। इसी को करने का दूसरा मेथड, ये तो एक मेथड से बताया मैंने, अगर मैं इसी को कर रहा होता परसेंटेज से, किससे कर रहा होता परसेंटेज से, तब देखो तुम्हारा सवाल कितना जल्दी होता पहली बात तो ये, और आपसे एरर भी नहीं होती, वैल्यूज मुझे सिर्फ देखनी पड़ेंगी। इसी का दूसरा मेथड क्या था आपके पास परसेंटेज वाला, आपके पास मास कितना बताया था, मास बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड, 1000 प्लस माइनस, मास मैंने बताया था 1000 जी, मास बताया था 1000 प्लस माइनस 20 और स्पीड थी 40 प्लस माइनस 2। इसका मतलब होगा परसेंटेज, इसी का दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, परसेंटेज एरर इन मास कैसे निकालेंगे, अगर मास में परसेंटेज एरर निकालेंगे तो आपको करना पड़ेगा 20 अपॉन 1000 इनटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2% आ गई। स्पीड में निकालो, स्पीड में निकालते 2 अपॉन 40 इनटू 100, इसका मतलब बन जाएगा ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 5% आ गई। आइडिया कहने का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो इग्नोर हो जाएगा, मास में कितने परसेंट की एरर है, मास में एरर है 2% की, प्लस स्पीड में कितने परसेंट की एरर है, 5% का स्क्वायर, अब स्क्वायर मत कर देना 25, ये पावर नीचे उतर आएगी, इसका मतलब बनेगा 2% प्लस 2 ब्रैकेट 5%, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2 12%, 12% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल चुके थे आप, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके 800,000, सॉल्व करना जरा, 12% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 12 अपॉन 100 इंटू 800,000, इसका मतलब बनेगा ये 20 से 20 कैंसिल होंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 आ गया, वही आंसर रिट्रीव हो गया फिर से। कुछ आया समझ में, 5% तो सही था, स्पीड में था, मगर क्योंकि स्पीड पे स्क्वायर था तो आपने पावर को कोफिशिएंट बना दिया, ये लॉग का रूल था, जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती थी, तो 5% एक्चुअल में स्पीड में, तो स्पीड के स्क्वायर में कितनी होगी 10%, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर ये इस तरह से करते हैं, राइट, यू गॉट इट।
खींच ले तस्वीर इसकी। बस एक सवाल अब और देता हूँ मैं, उसके बाद क्लास ये हो जाएगा आपसे 5-7-10 मिनट के अंदर सवाल। सवाल है क्या देख लेंगे। एक आपके पास रेक्टेंगल है, राइट। इस रेक्टेंगल का मास, बल्कि क्यूबाइड है, रेक्टेंगल बात कर रहा हूँ, क्यूबाइड है। इसका मास जो है वो है आपके पास 220,000 प्लस माइनस 2। एक ऑब्जेक्ट इसका मास है 20,000 प्लस माइनस 20 ग्राम्स। इसकी लेंथ पता थी, इसकी लेंथ है आपके पास 40 प्लस माइनस 5 cm³, और क्योंकि क्यूबाइड है तो इसकी ऑल साइड्स आर सेम, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब के सब सेम है, तो इसका मास गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है। एग्जामिनर पूछता है डेंसिटी निकालिए। कैसे करेंगे, हरी अब कीजिए। हाँ,
अच्छा क्या आंसर आ रहा है आपका? डेंसिटी का मास पता था और लेंथ पता थी, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मास अपॉन वॉल्यूम में लिखेंगे एल क्यूब, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 20,000, नीचे हो जाएगा 40 × 40 × 40, तो 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल, ऊपर बचा 20, नीचे कितना आएगा? 4 4 से 16, 16 4 से 64। तो 20/64 कितना होता है? 20/64 जो होता था 20/64, 0.32, 0.328, तो इसका मतलब होगा 0.33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.33। तो यहाँ तो हो जाएगा 0.33। जो आप में से कोई बता रहा था, कौन बता रहा था आप में से? जीरो, हाँ इखलास बता रहा था। 500 गलते, 500 गलते, 3.125 भी गलते। उमर 0.3125, 0.3125 कैसे आ रहा है? 0.33 नहीं आ रहा। देखो ना, 20,000/40 × 40 × 40, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो 20/64, 20/64 का मतलब तो इखलास 0.33 बन रहा है। 0. कितना बन रहा था? 0. बन रहा था 32। क्या करना था? 20/64। सही, मुझसे गलती हुई है। 0.312 आ रहा है। सही इखलास, तुम्हारा आंसर सही था, मुझसे गलती हुई। 0.312 सही है। 1 to 5 था शायद, 1 to 5 बिल्कुल सही है। अब एरर कैसे निकालोगे? तो इखलासी का आंसर सही होगा। हाँ इखलास सही था तुम्हारा आंसर, 10 तुम्हारा भी आंसर आ रहा है। अब एरर कैसे निकालोगे? अब एरर निकालने के लिए बहुत ही आसान लॉजिक है। परसेंटेज एरर निकालो लेंथ की और मास की। लेंथ की एरर को 3 से मल्टीप्लाई करो और उससे भी निकाल लो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, कितना आएगा? 0.1175, 0.1175 आ रहा होगा ग्राम पर सीएम क्यूब में। क्योंकि क्लास का ये आंसर सही था तो डेफिनेटली ये भी सही होगा। ट्राई कीजिएगा आप लोग ना, तो मुझसे आगे क्लास में पूछिएगा। राइट, मेरी आगे क्लास है, रखते हैं बस यहीं तक। ओके जी, खुदा हाफिज। कोई बात पूछनी तो पूछ लो। राइट, चलें। ओके जी, खुदा हाफिज।